कशाफात तैयबा गुल कर रही हैं पीएससी की मीटिंग में, इजलास में, और इसमें जावेद इकबाल पेश नहीं है। उनका यह कहना है कि वो छुट्टी मनाने गए हैं, लेकिन इंतहाई अफसोसनाक और तश्वीशनाक इल्जाम। लेकिन बहुत शुक्रिया आसिफ, आपके सारी तफसीलात हमें दी। लेकिन जोहेब, इससे पहले भी तैयबा गुल ने जावेद इकबाल की एक वीडियो लीक की थी, अगर आपको याद हो, जिसमें जावेद इकबाल खातून से गैर महजब गुफ्तगू करते नजर आए थे। तैयबा गुल ने जावेद इकबाल पर क्या इल्जाम लगाए थे, जरा वो देखते हैं और उसके बाद इसको कंटिन्यू करते हैं। मसलन मेरे इयररिंग्स अच्छा अच्छा आप गले का काम अच्छा लग रहा है। तैयबा गुल नामी खातून का नाम गुज़िश्ता बरस उस वक्त सामने आया जब साबिक चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के खिलाफ एक मुबैना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। वायरल वीडियो में जावेद इकबाल खातून को गले लगाते और उनकी किसी तस्वीर पर गैर महज़ब गुफ्तगू करते नजर आ रहे हैं। तैयबा गुल का कहना है कि उन्होंने जावेद इकबाल की वीडियो इसलिए बनाई क्योंकि वो एक साइला के तौर पर उनके पास गईं। उनकी शिकायत पर उनका नाम और नंबर दर्ज था, जिस पर जावेद इकबाल मुसलसल उन्हें मैसेज और कॉल करके गैर महज़ब गुफ्तगू करते थे, इसलिए उन्होंने इन्हें एक्सपोज करने के लिए वीडियो बनाई। मैंने उनसे कहा भी कि मैं एक मैरिड लेडी हूँ और ये सब चीज़ें मैं नहीं कर सकती हूँ, अफोर्ड नहीं कर सकती, और मैं आपके पास एक मसला लेके आई हूँ, तो मेहरबानी करके उस तक रहें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और मजबूरन मुझे उनकी ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड करनी पड़ी। उन्होंने कहा कि वो उनकी दर्ज कराई गई शिकायत में मसले निकालकर बहानों से उन्हें ऑफिस बुलाते थे, इसलिए उन्हें जाना पड़ता था। वो उन्हें प्राइवेट जगहों पर भी बुलाते थे और मना करने पर जावेद इकबाल ने उन पर नैब का केस बनाया और उन्हें और उनके शौहर को गिरफ्तार कर लिया। बाहर आने के बाद जावेद इकबाल ने उन पर 3 FIR दर्ज कराई, जिसके बाद मजबूर होकर उन्हें वीडियो लीक करना पड़ी। बेल आउट होकर बाहर आई, बाहर आके मैंने उसे रिक्वेस्ट किया कि इस चीज़ को ख़त्म कर दें, मैं नहीं चाहती कि मैं इस जंग में आपके साथ जाऊं क्योंकि आप ताकतवर हैं, मैं आपसे लड़ना नहीं चाहती, स्पेशली मैं एक मुल्क के इदारे को बदनाम नहीं करना चाहती।